अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम बात करेंगे खाना खाने के आदाब की। खाना खाने से पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए देखते हैं। नंबर एक, खाना खाने से पहले दोनों हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि हमारे हाथों में मौजूद जरासीम साफ़ हो जाएं और गंदगी दूर हो जाए। नंबर दो, खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए ताकि हमारे खाने से शैतान भाग जाए और हमारे खाने में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। नंबर तीन, खाना दाएं हाथ से यानी सीधे हाथ से खाना चाहिए। नंबर चार, दस्तरखान पर जन लोग बैठे हों तो हर एक अपने सामने से खाए। नंबर पाँच, दस्तरखान पर ज़्यादा देर बैठना या खाने को तूल नहीं देना चाहिए। नंबर छः, खाना खूब अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना चाहिए और हमेशा छोटा लुकमा लेना चाहिए। नंबर सात, खाना खा लेने के बाद अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी चाहिए यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। नंबर आठ, कोई ग़िज़ा दस्तरखान से या दस्तरखान से बाहर गिर जाए तो उसे उठाकर खा लेना चाहिए। खाना ख़त्म करने के बाद दोनों हाथ अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। अगर आप खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए हों तो खाने के दौरान जब याद आए तो बिस्मिल्लाह ही अव्वलहू वाखिरहू पढ़ लेना चाहिए। इससे हमारे खाने में बरकत होगी और अल्लाह ताला भी खुश होगा। तो देखा बच्चों आपने, अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपसे अल्लाह ताला खुश होंगे।